हेलो वेलकम बैक, आई एम मेघ सिंह और आज मैं बात करूंगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो टेंस जब हम भी पढ़ते हैं, जब भी हम पढ़ते हैं तो सबसे जो हमारा मेन टारगेट है वो डेफिनेशंस पे होना चाहिए, ताकि अगर मान लो आपका ये डेफिनेशन क्लियर है तो आपका ये सारा टेंस जो भी हम कर रहे हैं वो सही हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं डेफिनेशन की। तो पास्ट कंटिन्यूअस में लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई काम जारी रहता है, जैसे मान लो कि मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, कल मैंने ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी, तो ये भी कार्य जारी था, तो भी हमारा ये कंटिन्यूस है। वह बैठा हुआ था, ये भी आपका कंटिन्यूस है। इट मीन्स या कोई आपका कार्य जारी हो, ये वर्ड तो कॉमनली अगर हम जैसे बच्चे पढ़ते हैं सिक्स सेवन्थ में फिफ्थ में तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब हम लोग ट्वेल्थ में पढ़ते हैं या फिर अब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो हम लोगों को लॉजिकली थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए ग्रामर का, ये नहीं कि जो। तो पहला देख लेते हैं स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट एम वी फर्स्ट, उसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट, और वी कैन से सो सब्जेक्ट और एम बी फोर्थ, इसे हम एम बी फोर्थ कहते हैं, एम बी फर्स्ट प्लस आईएनजी, ओके। या तो एम बी फोर्थ कह लीजिए या फिर एम बी फर्स्ट में आईएनजी कह लीजिए, कोई इश्यू नहीं है। रोहित गाना गा रहा था, रोहित सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गया, सॉरी आई मैंने यहाँ पे वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं किया, वाज या वर्ब मैं पुट करना है, ठीक है, क्लियर। रोहित वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, वाज वर्ब के बाद तुरंत ही नॉट पुट कर देते हैं, और नया नहीं करना है कुछ भी। सब्जेक्ट वाज वर्ब और नॉट और एम बी फर्स्ट में आई एन जी ऑब्जेक्ट। अंधेरा हो रहा था, अब देखो इसमें आपका प्रॉपरली सब्जेक्ट नहीं है। ऐसे जब सेंटेंस करते हैं हम लोग इट और देयर का प्रयोग होता है, उसके लिए हम अलग टॉपिक पढ़ते हैं, इसमें मैंने दे दिया है, ठीक है, इसलिए मैंने इसमें सेकंड एग्जांपल दे रखा है। ऐसे कोई इश्यू नहीं है, अगर आपको ऐसा सेंटेंस आता है तो आप इट लगा देते हैं अगर सब्जेक्ट ना हो तो, क्योंकि जो आपका मौसम है टाइम है उसके लिए अगर सब्जेक्ट ना हो तो इट लगाते हैं। इट वॉज Not getting dark, it was getting dark, अब अंधेरा हो रहा था, सॉरी जो भी, इट इज रेनिंग हैवली, वर्षा हो रही है, तेज वर्षा हो रही है, तो यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नहीं होता है। इनकेस अगर वो वेदर से या टाइम से जुड़ा हुआ है तो वहाँ पे हम इट लगाते हैं, क्लियर। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू स्कूल, सीधी सी बात है भाई, सब्जेक्ट वाज वर नॉट और एम बी फर्स्ट या फिर एम बी फोर्थ ऑब्जेक्ट, इट इज खत्म। नेगेटिव देखो, वन टू नेगेटिव, क्या वही स्ट्रक्चर बनेगा, डब्ल्यू एच वर्ड आगे धर देंगे हम लोग उठा के, फिर आपका वाज पर आ जाएगा सब्जेक्ट नॉट एम बी फोर्थ और ऑब्जेक्ट। क्या हम टेलीविजन नहीं देख रहे थे, वर वी नॉट सीइंग टीवी टेलीविजन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, और जो भी आपको अगर इसमें कमियां लगें तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इनको इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू।